आपने इंडियन जुड़वा मूवी तो देखा ही होगा, अब कोरियन जुड़वा सीरीज दिखाती हूँ, वो भी डिटेल में। अब आ ही गए हो तो स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आगे मजा आने वाला है। सीरीज का नाम है योर होनर, जो कि 2018 की सीरीज है। इस सीरीज में आपको लीगल ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके टोटल एपिसोड 32 है, पर ये आपको 16 एपिसोड के रूप में देखने को मिलेंगे और लेंथ होगी 1 घंटे के हिसाब से। इसमें मेन लीड यून सी यून ने 2 किरदार बनकर किया है, हान सुहो और हान कांगो। साथ ही साथ ली यू यंग ने सॉन्ग सो यून बनकर किया है। और इसकी स्टोरी लाइन, हान सुहो और हान कांगो ट्विंस होते हैं, जिसमें हान सुहो पढ़ाई में काफी तेज होता है और कांगो गुंडे की तरह होता है। कांगो दिल का बुरा नहीं होता है, पर उसकी माँ का से उसके बड़े भाई सुहो को ही हमेशा सपोर्ट और प्यार करना उसे ऐसा बना देता है। जाहिर सी बात है, दोनों भाइयों में जरा सी भी नहीं पटती थी। और तो और कांगो को सुहो के वजह से जेल भी जाना पड़ा था, उसकी गलती ना होते हुए भी। और उसकी मॉम ने उस टाइम भी कांगो का साथ नहीं दिया। हां सुहो बड़ा होकर बहुत ही नामी जज बनता है और कांगो गुंडा। एक दिन कांगो जेल से तुरंत ही घर में आकर खाना खा रहा होता है कि उसका पुराना पार्टनर, जिसने उसे कॉइन पिघलाकर बेचने वाले क्राइम में फंसाया, वो आ टपकता है और अपने साथ पुलिस भी लाकर कांगो को धमकाता है। अपना कांगो तो है ही गरम खून वाला, वो भड़क जाता है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। कांगो उसे पीट कर भाग नहीं वाला था कि उसकी मॉम उस टाइम भी बोलती है कि सुहो के पास मत जाना, वरना उसकी लाइफ तुम्हारे वजह से खराब हो जाएगी। ये बात सुनकर कांगो को बहुत खराब लगता है और वो मैं वहीं जाऊंगा बोलकर उसके घर चला जाता है। उसी रात को सुहो को किसी ने किडनैप कर लिया था। कांगो उसके घर गया और कपड़े और पैसे लेकर निकलने ही वाला था कि वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस उसे पकड़ने ही वाली थी कि सुहो का एक एम्प्लॉय वहाँ आ गया और कांगो को सुहो समझकर कोर्ट चलने को कहने लगा। कांगो मौका का फायदा उठाते हुए कह देता है कि वही सुहो है और काम पर चला जाता है। उसी टाइम वहाँ काम सीखने नई इंटर्न आई थी, जिसका नाम सोयून था। सोयून से कांगो पहले भी मिल चुका था इन्वेस्टिगेशन में, पर सोयून को वो बात याद नहीं थी। अब जबकि पुलिस उसे चारों ओर ढूंढ रही थी, कांगो सोचता है कि उसे सुहो ही बने रहना चाहिए। कांगो को लगता था कि सुहो ट्रिप पर गया है। शुरू शुरू तो वो बहुत मस्ती करता है, उसे काफी ब्लैक मनी भी मिलते हैं और ऑफर भी आते हैं। कांगो सारा काम सोयून को देकर सोयून के ही लिखे हुए जजमेंट को कोर्ट में बोलता था, पर बाद में उसे पता चलता है कि आखिर वो लोग उसे ब्लैक मनी क्यों ऑफर करना चाह रहे थे, आखिर इसके पीछे कितने गुनहगार, जिसमें से सोयून की बहन का भी गुनहगार होता है। सोयून और कांगो एक दूसरे के साथ काम करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या कांगो उन्हें सजा दिला पाएगा? आखिर सुहो को किसने किडनैप किया? क्या सुहो बच पाएगा? ये तो आपको सीरीज में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, कमेंट भी कर देना।